Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइज आज सोचा कि वीडियो की सीरीज जो ब्लॉगिंग की सीरीज है वो तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं और उसमें जो है आगे तक एंड तक मैं आपको डेफिनेटली लेके जाऊंगा, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को मोटिवेट करना ब्लॉगिंग के लिए ये भी मेरा काम है। तो मुझे आप लोगों को जो है रियल फैक्ट्स अबाउट ब्लॉगिंग जो है वो बतानी है कि किस तरह अगर आप ब्लॉगिंग का करियर सेलेक्ट कर दें तो आपका करियर जो है वो किस तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग को आप जो है एक यूं नहीं कह सकते कि ये एक आपकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं हॉबी होती है, हॉबी है तभी आपको करना चाहिए, राइट। बट अभी क्योंकि पहले मैं भी नौकरी करता था तब मेरे को भी लगता था कि यार अगर हॉबी है तो ही इसके अंदर सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, अगर आप इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, राइट, तो इन दैट केस आपके लिए ये क्या है, एक अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। बिजनेस चाहे हम कोई भी स्टार्ट करें उसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहां पर ब्लॉगिंग को भी अगर आप बिजनेस की तरह लेंगे तो डेफिनेटली यहां पर भी आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर मेहनत करेंगे और तब जाकर आपको जो है यहां पर सफलता मिलती है। अब एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, हम एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन हम स्टडी कब से करना स्टार्ट करते हैं, बचपन से स्टडी करते हैं करीब जो है, अब नहीं करते भी अगर हम ऑन एन एवरेज सभी का लें तो कम से कम जो है 12 या 13 साल तो हम स्टडी करते ही करते हैं, राइट। लेकिन 12-13 साल के बाद क्या हमें गारंटी होती है कि हमें जॉब जो है वो कितनी महंगी मिलेगी, क्या सैलरी होगी हमारी, राइट, ये नहीं, कोई भी हमें नहीं पता। जब हम एक्चुअली जॉब के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि यार जॉब में हमें जो है सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं हर महीने के, पता चला कि 8,000 से स्टार्ट हो रही है, पता चला कि सिर्फ 3,000 से स्टार्ट हो रही है, राइट। ये सिचुएशन वेरी करती है। हमारी एजुकेशन पे जो 12-13 साल लगाए तो वो हमारा क्या है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसका अब जो रिटर्न है वो अब आपको मिलेगा। जब आपने जॉब स्टार्ट करी है तो अब आप वहां पे टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो करते करते धीरे धीरे फिर आपको जो है एक अच्छी खासी सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। तो ब्लॉगिंग भी जो है एक बिजनेस की तरह है। आप अभी बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से कोई मिरेकल नहीं हो जाता, कोई जादू की छड़ी नहीं घूम जाती कि आज जो है बिजनेस स्टार्ट करा और कल जो है हमारे को बिल्कुल लाखों का टर्नओवर होने लग गया। ऐसा कभी नहीं होता, राइट। और यहां पर ब्लॉगिंग के साथ भी बिल्कुल सेम है। ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस की तरह लेके चलेंगे, टाइम टू टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपको उसकी, आपका जो ब्लॉग है उसको प्रीमियम प्लगइन्स वगैरह इस्तेमाल करें, प्रीमियम थीम्स इस्तेमाल करें, होस्टिंग अच्छे सर्वर्स पे करें, राइट। और बाकी का जो एसईओ करेंगे तो एसईओ के लिए हम टूल्स अच्छे इस्तेमाल करें, पेड प्रीमियम टूल्स का इस्तेमाल करें, राइट। अगर कंटेंट जो है हम खुद नहीं लिख पा रहे हैं तो हमें किसी से कंटेंट अच्छा लिखवाना चाहिए, तो वो कंटेंट राइटर को हम पे करेंगे। तो ये सारा एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर भी ब्लॉगिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो डे वन से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, पहले आपको करना पड़ता है काम। काम करके आप जब सीखते हैं, देखो अगर मैं कितना भी अच्छा सिखा दूं आपको, आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने वो जो मैंने बोला वो आपने किया है कि नहीं किया वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने वाकई सीरियसली काम किया तब जाकर आप जो है उस पर सक्सेस पा सकेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे साइकिल चलाना आता है, मैं बहुत अच्छे से साइकिल चला लेता हूं, मुझे बैलेंस करना आता है, मैं बाइक चला लेता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे आपके सामने बिल्कुल तुरंत यूं साइकिल पे बैठा और ये चला के दिखा दिया, देख ऐसे चलाते हैं। अभी मैंने बोल दिया, मैंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको कि साइकिल चलता कैसे है, कैसे बैलेंस होता है, मैंने सब बता दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या आप बस उस देखने को, देखने मात्र से क्या आप दोबारा साइकिल में आपको दूं तो क्या इमीडिएटली आप चलाना सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अभी तक आपने एक्चुअल में उसको जो है रियलाइज नहीं करा है, फील नहीं करा है एक्चुअल में उसमें क्या चैलेंजेस हैं, बैलेंस करने के लिए आपको क्या चैलेंज है वो आपको अभी तक नहीं अनुभव हुआ है, राइट। तो यहां पर जो है जैसे ही आपको वो अनुभव होता है तब आप उसमें क्या करते हैं, बार बार
अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है, आप बार बार अपनी बैलेंस को संभालते हैं, फिर संभालते हैं, फिर संभालते हैं, और एक ऐसा समय आ जाता है जब आपका साइकिल आप बिल्कुल परफेक्टली चला पाते हैं, जैसा मैंने आपको बोला वैसा आपने साइकिल चलाना सीख लिया। और सेम चीज हमारी एप्लीकेबल होती है ब्लॉगिंग के अंदर। ब्लॉगिंग में भी अब मेरे को ब्लॉग आता है अच्छे से, मैंने अपना एक्सपर्टीज डाल दिया, मैंने टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने रियल फैक्टर्स को जो है समझा है, उनको फील किया है, उसके ऊपर काम कराया और आज सक्सेस हूं। लेकिन आपको अगर मैं पूरी चीजें बता भी दूंगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पहले इन रियल फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ ब्लॉगिंग ना लेकर एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक अगर काम करेंगे और टाइम टू टाइम जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली ब्राइट होगा। बिजनेस में बहुत सारे लोगों का बिजनेस सक्सेस होता है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है फेल भी हो जाता है। फेल होने के पीछे कारण उनके यही होते हैं कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से सही टाइम पर सही डिसीजंस नहीं लिए। अगर सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेंगे तो बिजनेस सक्सेस होता है, राइट? तो यहां पर भी आपके लिए सेम चीज एप्लीकेबल है, बट आपको यहां पर सक्सेस मिलने के लिए हो सकता है कि 1 साल लग जाए, हो सकता है कि 2 साल लग जाए, हो सकता है कि 3 साल लग जाए, लेकिन ये जो 2-3 साल का जो स्पैम होगा आपका, इसको ट्राई करने का, बार बार चीजों को रेक्टिफाई करने का, तब आपको चीजें प्रैक्टिकली समझ आने लग जाएंगी। और ये 2-3 साल, बिलीव मी गाइज, अगर आपने ये 2-3 साल दे दिए तो उसके बाद आपको जो है डेफिनेटली कोई रोक नहीं पाएगा इसके अंदर आगे करियर बढ़ाने के लिए। और इनकम की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर 0 इनकम होती है, कोई इनकम नहीं होती है, बिल्कुल 0 इनकम होती है, आपको अपनी जेब से ही लगाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कंटेंट बढ़ता है और सही तरीके से आप काम करते चले जाते हैं, तो आपका टाइम एक ऐसा आ जाता है जब आपको खुद को नहीं पता है आप रात को सोए हो तो क्या इनकम थी आपके अकाउंट में, और जब आप मॉर्निंग में ओपन उठते हो और ओपन करके देखते हो अपने अकाउंट को, तब आपकी इनकम क्या होगी, ये आपको भी बिलीव नहीं होगा, राइट? तो यहां पर ब्लॉगिंग के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, बट आपको कितना अच्छा कॉन्टेंट देते हो, कितना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या उसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको जो है एक मोटिवेशन मिला होगा किस तरह से आपको अपने ब्लॉगिंग करियर को जो है आगे बढ़ाना है। ब्लॉगिंग करियर आगे डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा होने वाला है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार 2007 में 2009 के अंदर जो है कंपटीशन नहीं था, तो उस वक्त जिन्होंने बना लिया आज वो सक्सेस है। मैं बोलता हूं कि 2009 और 2007 की अगर बात करें तो उस वक्त इंटरनेट यूजर कितने थे, वो भी तो बहुत कम थे। तो आज अगर इंटरनेट के अंदर ब्लॉगिंग वाले बढ़ चुके हैं तो कंपटीशन बढ़ा है, तो यहां पर ब्लॉगिंग के लिए जो सर्च कर रहे हैं उनकी भी तो तादाद जो है बढ़ी है, राइट? आज इंटरनेट यूजर कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो यहां पर कंपटीशन आज भी वही है जो 2007 या 2009 के अंदर था, आज भी वहीं पे हम खड़े हुए हैं। तो आगे फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, बस आपको मेहनत करना है, इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके चलना है और तब जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन वाले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।